हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और आज सुबह मैंने स्पेशल ग्रुप में एक 10 प्रश्नों का पेपर दिया था। 10 प्रश्न थे जिसमें विज्ञान और गणित के प्रश्न थे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में उनके जवाब दूंगा आपको और थोड़ी सी व्याख्या भी करूंगा। तो आप लोग तैयार रहें और देख लें, अपने उत्तर मिला लीजिएगा। और जो लोग इस स्पेशल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए, तो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा आप कैसे ऐड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न मैंने जो आपको दिया था वो था बल का एसआई मात्रक लिखें। तो दोस्तों, बल का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। पहले का जवाब ये है। ठीक है, बल क्या है, यानी जिसे अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, ये एक बाह्य कारक होता है। बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, तो उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, बल एक सदिश राशि होता है, ध्यान देंगे आप लोग, सदिश राशि होता है। और बल का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक, वो है न्यूटन। ठीक है, और इसका सीजीएस पद्धति में, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखें, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। ठीक है, ये इसका सूत्र है। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने दिया था, संवेग का एसआई मात्रक, संवेग, यहाँ पर बिंदी होगा, सॉरी, संवेग का एसआई मात्रक। अब संवेग का एसआई मात्रक क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो है संवेग इक्वल टू MV इक्वल टू किलोग्राम, ठीक है, इंटू मीटर अपान सेकेंड। ये मीटर है, ये सेकेंड है। ठीक है, तो मीटर अपान सेकेंड, ये संवेग का एस आई मात्रक होता है। तीसरा जो क्वेश्चन मैंने दिया था, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है, किसी पिंड का त्वरण शून्य कब होता है। ठीक है, तो जब पिंड पर कोई बाह्य बल, कोई पिंड है और इस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, ठीक है, तब इसका जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। ठीक है, बाह्य बल, जब कोई आउटर फोर्स नहीं होगा किसी पिंड पर, तब इसका जो त्वरण है वो शून्य होगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन मैंने दिया था, ऋणात्मक कार्य की दशा का वर्णन कीजिए, या ऋणात्मक कार्य की परिस्थिति, ऋणात्मक कार्य की परिस्थिति। ठीक है, ऋणात्मक कार्य की परिस्थिति मतलब यहाँ पर भी होगा। ठीक है, जब कार्यरत बल विस्थापन के विपरीत कार्य करे, विस्थापन के विपरीत कार्य करे, तो वो जो है ऋणात्मक कार्य की स्थिति होती है। ठीक है, ये इसका हल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। कार्यरत बल, जो आपका कार्यरत बल है जो आप लगा रहे हैं, वो विस्थापन की विपरीत दिशा में, ठीक है, विस्थापन की दिशा में ना करके विपरीत दिशा में कार्य करे, तो वहाँ पर ऋणात्मक कार्य माना जाता है। और विज्ञान का 5वां जो क्वेश्चन था, 1 वाट शक्ति, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, परिभाषित कीजिए, तो 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। 1 वाट शक्ति को कैसे आप परिभाषित करेंगे, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि कोई निकाय निकाय, ठीक है, 1 सेकंड में 1 जूल, 1 सेकंड में 1 जूल, ठीक है, कार्य करता है या कार्य करे, तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। तो शक्ति जो है 1 वाट होगी। ठीक है, 1 सेकंड में 1 जूल इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, ये होता है इसका जो सूत्र है। ठीक है, अब आ जाइए मैथ के सवाल। मैंने आपको कुछ दिए थे गणित के सवाल, तो मैंने आपको गणित का जो 6वां सवाल दिया था, मतलब पहला और इस सीरीज में 6वां सवाल दिया था, कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या, और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो आशा करता हूँ आप लोग छोटी संख्या, ठीक है, इनमें डिफरेंस कितना होता है। तो 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 99,999, और 6 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 1 लाख। ठीक है, तो
तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस होगा एक का, एक सही उत्तर है इसका, ठीक है। 5 अंक की सबसे बड़ी तथा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या में एक का डिफरेंस होगा। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, 32 और 18 के सार्व गुणनखंड, 32 और 18 के सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड आप जो है कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप जो है 32 के गुणनखंड निकाल लीजिए कि 32 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 32 का गुणनखंड है 1 2 4 8 16 32, ठीक है, 1 2 4 8 16 32, ठीक है, इनसे ये गुणनखंड। 18 के कौन से गुणनखंड हैं, 1 2 3 6 9 18, ये इसके हैं। अब दोनों में ये कॉमन है 1 और 2, ठीक है। तो इनके सार्व गुणनखंड जो हैं 1 और 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, 12 और 18 का लासा क्या होगा, 12 और 18 का लासा अगर आपको निकालना है तो 12 या 18 ऐसे लिख लेंगे, 2 6 आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 1 1 आ जाएगा। अब 2 × 3 × 2 × 3, 2 3 6 6 2 12 12 3 36 इक्वल टू 36 इसका लासा हो जाएगा, ठीक है। उसका आंसर जो होगा वो होगा 36। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 5625, ठीक है, 5625 का आपको वर्गमूल निकालना था। तो इसका वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि है, वर्गमूल आपको किसी भी चीज़ का निकालना होगा तो मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसे आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो 7 से अगर यहाँ पर होगा तो 57 और यहाँ पर प्लस 7, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 114 और 5 5 25, यहाँ पर जो है इसका वो होगा 75, ठीक है। अगर हम इसका जो है 56 25 का वर्गमूल करें तो 75 सही आंसर होगा उस क्वेश्चन का। और अगला जो अंतिम क्वेश्चन मैंने दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, संख्याएं थी 4 3 7 और 3 4 1 3 4 1, और एक संख्या थी 1 3 4 9 और एक संख्या थी 8 1 1। तो अगर आप इन्हें भाज्य अभाज्य की दृष्टि से देखें, ठीक है, तो ये सारी संख्याएं भाज्य हैं केवल 8 1 1 को छोड़ करके, 8 1 1 जो है वो अभाज्य संख्या। आपके क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो है वो 8 1 1 है, क्यों, क्योंकि 4 3 7 341 और 349, ठीक है, 1349, ये क्रमशः 19, 11 व 19 से भाग देने में विभाजित हो जाएंगे और शेष फल इनका शून्य आ जाएगा, जबकि 811 किसी चीज़ से विभाजित नहीं होगा, ये एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस तरह ये 10 प्रश्न मैंने आपको दिए, इनके सही जवाब भी आपको बता दिए। आप लोग जो स्पेशल ग्रुप में हैं, आप लोगों ने हल किया, मैंने आपका पेपर भी देखा, तो जिन लोगों के क्वेश्चन सही हैं वो अपना मिला लें, और जिनका 10 में से 8 9 सही है या जिनका 10 हों सही है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिनका 8 से कम सही है वो थोड़ा सा ध्यान दें और मेहनत करें, क्योंकि गणित आने वाला है 20 नंबर का और साइंस आने वाला है 10 नंबर का, 30 नंबर लेकर के हम कवर चल रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग लिखित परीक्षा की तैयारी वाकई में सीरियसली कर रहे हैं वो स्पेशल ग्रुप में कैसे आ सकते हैं। इसके लिए चार्ज देना होगा आपको सिर्फ 500 रुपये, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको मिलने लगेंगे 10 सब्जेक्ट के नोट्स, और साथ ही आपको मिलने लगेंगे ऐसे मॉडल पेपर जो हल करवाए जाएंगे। तो इस तरह के मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और नोट्स के जरिए लिखित परीक्षा की तैयारी चलेगी एज अ कोचिंग, और जो भी क्वेश्चन होंगे विशेषज्ञों द्वारा आगे चल करके मैं एक दो टीचर कर दूंगा, उनकी व्याख्या सहित आपको साइंस और मैथ अच्छे से पढ़ाने लगेंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आ जाओ स्पेशल ग्रुप में ऐड होने के लिए इस स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चार्ज है सिर्फ 500 रुपये, अपना नाम और आप लिखित परीक्षा में ऐड होना चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि सिर्फ 500 इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपको ख़रीद करके नोट्स प्रोवाइड करवाए जा सकें तथा मैं टीचर कर सकूं जो आपको पढ़ा सकें। तो जैसे ही पैसा इकट्ठा हो जाता है, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया है, नोट्स आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी और आप सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस रुक जाइए आप लोग लिखित परीक्षा के नोटिफिकेशन तक, और जैसे इसका सिलेबस ऑफिशियल आ जाता है
जैसे कि संस्कृत ऐड होगा कि नहीं, अंग्रेजी या विज्ञान का स्तर क्या होगा, इस तरह की चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो नोट्स बनाने में आसानी रहती है। उसी हिसाब से आपको नोट्स बना करके एग्जैक्टली दे दिया जाएगा। अभी मैं आपको ज़्यादा पढ़ा दूँ और सिलेबस घट के आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए तैयारी मैं नॉर्मली अभी नॉर्मल वे पर ले चल रहा हूँ और ये सब चीज़ें हैं आप जो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए स्पेशल ग्रुप में, ऐड हो जाइए व्हाट्सअप पर। थैंक यू सो मच, क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एग्जाम मास्टर। थैंक यू सो मच।